डिफरेंट डिफरेंट जो कैरेक्टर लाइक हमने जो स्टाइलिश किया, देन उसको फिर अगेन डिटेल के साथ कोई डाउट्स, एंड अगेन डिफरेंट डिफरेंट और जो कैरेक्टर है लाइक बीस्ट, ग्रीफन कैरेक्टर, साइबोर्ग कैरेक्टर, उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? और तुम लोग प्रैक्टिस लाइक स्टडी कर रहे हो ना, लाइक थोड़ा बहुत उसमें किया, कुछ स्क्रिबल किया थोड़ा बहुत? हाँ सर, स्क्रिबल कर रहा हूँ सर। ओके, नाउ ये जो सैटरडे संडे जो छुट्टी है इसमें भी तुम लोग थोड़ा सा स्टडी करके मेरे को व्हाट्सएप में या ग्रुप में सेंड करना, ठीक है? जैसे भी होगा सेंड करते रहना, क्लियर? ओके तो हम सर, स्टार्ट करते हैं सर न्यू कैरेक्टर डिजाइन, और कोई डाउट्स हम एंड ऑफ पार्ट क्लास के बाद उसको एक बार रिपीट करेंगे, ठीक है? ओके, नाउ जस्ट 1 मिनट। Just 1 मिनट, दिखा रहा हूँ। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? स्क्रीन दिख रहा है सबको? हेलो, ओके यस सर। फाइन, स्टार्ट करते हैं। लाइक थोड़ा सा हम इमेज को एक बार देख के इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो हमने जो कल बताया था मिथिकली कैरेक्टर हेलो एंड पार्ट। सर। हेलो, हाँ हाँ सर, बिना आईडी के बिना नेम के कोई घुसा है सर मीट में, पता नहीं कौन घुसा आया है, बट हम देखे अभी कोई अननोन नेम से घुस गया है। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, एक मिनट जस्ट हाँ, चेक। वो घुसा था, निकल गया अभी। हेलो कौन है पता नहीं, बट कोई एंट्री मत दो बिना नाम का, अगर प्रॉपर नहीं है तो। नहीं, घुस भी गया कहाँ से? तुमने बैंक कर दिया उसको? हाँ, ठीक है। न्यू कोई आया नहीं तो अभी मेरा यहाँ पे तो है, निकाल दिया इंदिरा ने, आते सामने निकाल दिया सर। ओके, निकल दिया।
स्क्रीन शेयर ऑफ हो गया सर आपका। क्लियर? ओके, दिखाई दे रहा है सबको स्क्रीन? हाँ सर। ओके, जो अभी स्टार्ट करते लाइक आप लोगों को जो बताया था कल मिथिकल कैरेक्टर था, देन उसके बाद हम और भी तीनों कैरेक्टर के ऊपर डिस्कस करते, बीस्ट कैरेक्टर, देन रोबोट कैरेक्टर एंड ग्रीफन कैरेक्टर। कैरेक्टर बहुत सारे हैं, स्टाइलेशन बीस्ट भी है, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर है। लाइक दिस इज ग्रीफन कैरेक्टर लाइक दिस। ये भी लाइक एज ए फैंटेसी कैरेक्टर ही है, लाइक ईगल एंड लायन मिक्स। दिखाई दे रहे सबको ईगल एंड लायन, हिस्टोरिकल कैरेक्टर। लाइक अभी बोलोगे सर इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट कोई भी एक पोज को स्टार्टिंग में आपको पहले बताया था, जो एनिमल बर्ड बहुत सारे कैरेक्टर आप यूज कर सकते हैं, देन इसको हम रोबोट पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। बेसिकली आपको फर्स्ट देखना है जो उसका जो बॉडी का लैंग्वेज, जिसके लिए आप लोगों को स्टार्टिंग में डिटेल देन बेसिक स्ट्रक्चर ब्लॉक्स सब कुछ बता दिया था। ओके, चलो अभी हम पहले जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर एक बार स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट हम पोज लेंगे, हमने जो सॉरी कैट या डॉग बनाया था उसी पोज को हम स्टैंडिंग रख के, या तुम लोग ऐसे पोज भी दिखाना चाहते हो जैसे मर्जी। तो एक सिंपल एक पोज लेते हैं और उसको हम कैसे डेवलप करते हैं ग्रिफिन कैरेक्टर को। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ इमेज इसीलिए दिखा रहा हूँ, ग्रिफिन तुम लोग के लिए शायद कुछ स्टूडेंट के लिए नॉलेज है नहीं कि व्हाट इज ग्रिफिन। ग्रिफिन इज ए लाइक हिस्टोरिकल कैरेक्टर लाइक लायन एंड ईगल मिक्स। ओके, अच्छा इसको पहले हम मर्ज कर देते एक लेयर से पहले, एंड अल्फा ऑपोजिट देंगे एंड लॉक कर देते इस लेयर को, एंड न्यू लेयर पे हम स्टार्ट करते। जस्ट वॉच, फॉलो करते रहना कैरेक्टर को, हम डिफरेंट कैरेक्टर को हम कैसे डेवलप करें। बहुत सारे कैरेक्टर है, इसमें से ग्रिफन भी एक कैरेक्टर का स्पेसिफिक एक कैटेगरी है, ग्रिफन कैरेक्टर। फर्स्ट लोगों को पहले बताया था जो उसको ड्रॉ करने से पहले कंसेप्ट लाइक एक आइडिया होना चाहिए जो हम उसको कैसे किस पोज में रखेंगे। लाइक दिस डिफरेंट पोज में हम उसको मॉडिफाई करते हैं। इसके लिए स्टडी का बहुत जरूरी है, मैं आपको बताया था शुरू से जो स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ आप लोगों को दिखाई दे। कैटेगरी होता है जस्ट बेसिक ब्लॉक, बहुत ध्यान से देखते रहना। ईगल फेस होगा ये फ्रंट में, थोड़ा सा हल्का सा स्टाइलाइज कर सकते हैं और भी अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। जस्ट बेसिक ब्लॉक स्टार्टिंग,
हर चीज को तुमको डिटेल स्टडी करना है। ईगल को भी जब मिक्स करोगे लायन के साथ, लायन का स्ट्रक्चर एंड ईगल बर्ड को भी सामने रख के दोनों को मिक्स करना। पर ऑफ कर देते एंड थोड़ा सा इसको छोटा कर देते अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा इसको थोड़ा छोटा होना चाहिए लाइक दिस। According to style, different style is कर सकते हो, then जैसे यहाँ पे sorry यहाँ पे जैसे ये जो griffin character का एक बार off करके इसको on करके दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा कैसा structure देखो, front वाला chest broad है, पीछे में थोड़ा पतला हो गया, same kind of part like this। Then उसके बाद हम शोल्डर से विंग्स ऐड करेंगे, विंग्स को ऐड करेंगे। अगेन जैसे ब्लॉक लाइन इसका जो टेल थोड़ा हेवी होता है, मस्कुलर थोड़ा सा मसल्स में आता है, लायन या टाइगर का जब बॉडी स्ट्रक्चर करोगे थोड़ा सा उसको मस्कुलर में कन्वर्ट कर लेना। Again, back, like this, और ध्यान से इसको फॉलो कर खेल देंगे उसी का हिसाब से। ये हो गया फर्स्ट बॉडी स्ट्रक्चर, देन विंग्स। विंग्स कहाँ पे यूज होगा अब लोगों को दिखा दिया, ये जो शोल्डर जो पार्ट है यहीं से विंग्स ऐड हुआ, सेम काइंड ऑफ पार्ट हम जस्ट फॉलो। ये कौन है जस्ट वन Now start like basic structure को पहले draw कर लेना all over wings like just 1 minute। ये जो इसको एक बार basic structure means total wings का जो structure है like सबको दिखाई दे रहा है ना, ये जो डायरेक्शन है ना इसका विंग्स का टोटल जो स्ट्रक्चर है लाइक ऑल ओवर ऐसे ड्रॉ कर लेना पहले स्टार्टिंग में फर्स्ट, उसके बाद में हम डिटेल देंगे ऐसे ऐसे करके, क्यों ना हमारा ये जो फ्लो है तभी पता लगेगा। सेम काइंड ऑफ पार्ट लाइक हम यहाँ पे जो ड्रॉ किया पहले बेसिक स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लिया, जो हमारा विंग्स का कैसे फ्लो होगा उसका जो पोजिशन कैसे होना चाहिए विंग्स का, ऐसे भी दे सकते हो
नीचे की तरफ भी दे सकते हो, तो नीचे देंगे तो थोड़ा सा ये पैड छुप जाता है, तो इसीलिए हम थोड़ा ऊपर की तरफ दे दिया डायरेक्शन। टेल को हम ऐसे भी दे सकते थे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं उसमें, योर चॉइस। ठीक है, नाउ अगेन पीछे वाला विंग्स थोड़ा सा ऑपोजिट डायरेक्शन, थोड़ा बड़ा होना चाहिए विंग्स, उस हिसाब से हम इसको थोड़ा सा ऑल ओवर को छोटा कर देते हैं, नहीं तो विंग्स बाहर निकल जाएगा, दिखेगा नहीं, कट जाएगा ड्राइंग के टाइम, इसलिए थोड़ा छोटा कर दिया और विंग्स को थोड़ा बड़ा कर देते। विंग्स को थोड़ा बड़ा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू बॉडी का स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, लाइक जैसे इसका बॉडी का स्ट्रक्चर है थोड़ा सा बड़ा होगा। सेम ऑपोजिट और टेल को थोड़ा हम नीचे के डायरेक्शन में कर देते हैं, नीचे डायरेक्शन में, या घुमा भी सकते हैं, ऐसे टेल को हम घुमा भी सकते हैं, ऐसे ऐसे भी दे सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके मसल्स का जो कट हम डिटेल में देंगे। अच्छा, अब इसमें कोई डाउट्स, एनी स्टूडेंट, बेसिक स्ट्रक्चर में कोई डाउट्स? नो सर। ओके फाइन, अभी डिटेल दे रहा है, डिटेल में क्या क्या चीज हाईलाइट कर रहा हूँ, कितना एग्जैजरेट कर रहा हूँ, मतलब बॉडी पार्ट को कितना, कौन सा जगह पे एग्जैजरेट कर रहा हूँ, लाइक थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ, इस चीज को फॉलो करते रहना। जस्ट तुम्हारे सामने पहले इसको ओपन कर रहा हूँ छोटा करके, और तुम लोग इस चीज को देखते रहना कौन सा पार्ट को कितना डिटेल के साथ ड्रॉ कर रहा हूँ, उस चीज को फॉलो करते रहना। इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? हाँ सर। ओके फाइन, अच्छा चलो हम थोड़ा सा डिटेल के साथ इसको, इसका पोज अलग है, हमारा पोज अलग है, साइड में इसीलिए बना है, पूरा लाइक स्ट्रक्चर को तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा, विंग्स का भी कैसे होता है फेदर वो भी क्लियर हो जाएगा, विंग्स का जो डायरेक्शन होता है उसका, फेदर का डिटेलिंग, इवन ईगल का भी जो साइड फेस में जो डिटेलिंग कैसे होगा, सारे क्लियर तुम लोगों को हो जाएगा ड्रॉइंग के साथ साथ। इसको लॉक करते, ये पहले अल्फा कर देते, देन ऊपर लेयर पे हम धीरे धीरे उसको डेवलप करेंगे। इसके बाद और भी दो कैरेक्टर है, उसको भी हम आज स्टडी करते हैं। अच्छा नाउ स्टार्ट। अच्छा, तुम लोग एक काम करना, सबसे पहले देखना है जो एनिमल में होता है फार, जो बाल जिसको बोलते हैं, और जो बर्ड का होता है फेदर, दोनों में अंतर है, इस चीज को ध्यान रखो। थोड़ा डिटेल जूम करके दिखा रहा हूँ, देख रहे हो फेदर, फेदर का जो डिटेलिंग देख रहे हो? हाँ सर। ये जो बेसिक जो डिटेलिंग है फेदर का, ये अलग है, और जो फर होता है, जो हमारा जो ह्यूमन बीइंग सॉरी एनिमल बीइंग में जो होता है जो बाल, वो अलग होता है, उसका जो बॉडी के साथ जो डायरेक्शन फर का जो इफेक्ट, वो थोड़ा सा अलग होता है, ये दोनों चीज अलग अलग डायरेक्शन में होता है। तो मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो 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 सर। यहाँ पर जो मतलब ईगल का जो हिस्सा नीचे का लायन के साथ मर्ज किया है, मर्ज किया, तो पीछे का पैर में भी जो ईगल का वो पीछे का नुकीला हिस्सा होता है ना, जो नेल्स होते हैं पीछे का, दो पैर में दिखाया गया था लायन का, ये क्या कंपलसरी रखना होता है, मतलब ये मेंटेन करना होता है, मतलब ये सब कैरेक्टर के लिए? ये पीछे वाला पैर बोल रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ये लायन का पीछे वाला जो पैर है, हाँ उसके पीछे जो नुकीला दो नाखून जैसा है ना, हाँ वो एक्चुअली क्या किया, थोड़ा सा स्टाइलाइजेशन किया, ये वाला
ओके मतलब मैंडेटरी टाइप का कुछ नहीं है, मतलब इसको फ्लो में मेंटेन करना ही होगा ऐसा बस बस। हाँ ये थोड़ा स्टाइलिश है, देखो ना एक चीज देखो नोट करना, ये देखो पूंछ जा रहा है बिल्कुल लाइन की तरह, और देखो जहां पे एंड हो रहा है वहीं पे फेदर बना दिया, मगर होता नहीं है वहीं पे होता है बाल, राइट। yes, जो लाइन में रियलिटी में जो होता है, हम रियलिटी में जो देखते हैं वहीं पे हेयर होता है कि नहीं, मगर उन्होंने फेदर बना दिया, देख रहे हो ये जो पीछे छुप रही है। yes, sir, ये स्टाइल के लिए। हाँ ये थोड़ा सा स्टाइल, जैसे वो तो बोल रहा हूँ जो बेसिक स्ट्रक्चर का जैसे नॉलेज तुम्हारे पास हो जाएगा ना, उसके बाद तुमने जो मर्जी करो कैरेक्टर को लेकर, जैसे मर्जी उसको यूज करो, ह्यूमन बींग के साथ खेलो, एनिमल के साथ खेलो, बर्ड के साथ खेलो, रेप्टाइल्स है रेप्टाइल्स के साथ खेलो, एवरीथिंग कोई भी चीज को लेके, मगर देखने में और उसमें बॉडी स्ट्रक्चर में प्योर लाइक एकदम स्ट्रक्चरल होना चाहिए, लाइक एकदम प्रॉपर होना चाहिए, कोई डिसबैलेंस या कोई ऑड लुकिंग ऐसे नहीं होना चाहिए। तुम स्नेल के साथ भी ह्यूमन बींग एड कर सकते हो, मगर देखना पड़ेगा वो कितना आई कैची स्ट्रक्चर के साथ जा रहा है या नहीं, मतलब उसके साथ ठीक मतलब प्रोपोर्शन में हो रहा है या नहीं, ये सब चीज को देखना है थोड़ा सा, ठीक है। इस चीज को फॉलो करना जब भी बनाओ कोई भी चीज, इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले डिटेल देने से पहले, जैसे ये मैंने बताया था ये जो मैंने ड्रॉ किया बेसिक स्ट्रक्चर, क्यों ना ये मैं ग्रिफन कैरेक्टर का ही जो मेन जो स्पेसिफिक जो उनका जो लाइक मेंशन होता है जो एनिमल एंड बर्ड, ये दोनों मिक्सअप, हम इसको ग्रिफन नहीं बोल सकते, ये इसको हम ग्रिफन नहीं बोल सकते, ये थोड़ा सा मिथिकली कैरेक्टर मगर थोड़ा बीस्ट में है, लाइक ड्रैगन एंड स्नेक देख रहे हो, ये वाला हिस्सा थोड़ा ड्रैगन और यहाँ पे जाके स्नेक के तरह उन्होंने फॉर्म को ऐड किया, स्नेक का जैसे डायरेक्शन होता है उसका जो फ्लो होता है, ये सब चीज स्टाइलाइजेशन किया लाइक अट्रैक्टिव लुक देखने के लिए, ठीक है। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना जब भी बनाओ, तो सारे है हिस्टोरिकल लाइक मिथिकली के अंदर ही है, मगर थोड़ा सा इन्होंने कैटेगरी में डिफाइन कर दिया लाइक ह्यूमन बीइंग को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, दिस इज ग्रिफन, दिस इज मिथिकल कैरेक्टर, दिस इज बीस्ट कैरेक्टर, ये सब मैकेनिकल हो गया तो रोबोट कैरेक्टर हो गया, रोबोटिक कैरेक्टर, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा मतलब दिमाग में रख के आपको ड्रॉ करना है, कभी भी आप लोग ड्रॉ करोगे तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज देख लेना, तुम टॉर्टोइस के साथ भी मिक्स कर सकते हो, टॉर्टोइस एनिमल जैसे प्रोडक्शन में फील्ड में जैसे कोई भी इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो उन्होंने मेंशन कर देते तुम एक प्रिपरेशन लेके गया ग्रिफन स्टडी करके गया, मगर वहीं पे दिया कुछ अलग, उन्होंने दे दिया लाइक मेंशन कर दिया तुमको बता के चले गए, जो टॉर्टोइस होगा देन एलिफेंट होगा देन कोई इंसेक्ट्स का वो दे दिया लाइक नाम दे दिया, कोई अच्छा सा इंसेक्ट्स दे दिया, अब इसको तुम मिक्सअप करो, तो ये चैलेंज, ये तुम्हारे लिए चैलेंज है लाइक कैसे उसको मिक्स करोगे, उसका स्ट्रक्चर, उसका बॉडी का लैंग्वेज, कहाँ पे इंसेक्ट्स का पार्ट अप्लाई करोगे, कहाँ पे एनिमल का पार्ट अप्लाई करोगे, कहाँ पे बर्ड का पार्ट अप्लाई करोगे, ये तुम्हारे ऊपर, योर टोटली कंसेप्ट क्लियर। ऐसा नहीं जो लायन का बॉडी यूज कर दिया और पैर दे दिया इंसेक्ट्स, थोड़ा सा ये भी देखना है जो वो वेट ले पाएंगे या नहीं, लायन का बॉडी इज वेरी हैवी या एलिफेंट का बॉडी और उसमें तुम इंसेक्ट्स का पैर दोगे तो बिल्कुल भी जचेगा नहीं लाइक उसके साथ मैच नहीं कर पाएगा, वो वेट कैसे ले पाएंगे, खड़े कैसे होंगे, राइट। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, मिक्स तो करोगे ही मगर कैसे करना है, योर कंसेप्ट टोटली क्लियर। ओके ओके फाइन, चलो स्टार्ट करते हैं। डिटेल देते हैं अभी, जैसे इन्होंने ईगल को फेस में यूज किया, देन फ्रंट वाला पैर ईगल दे दिया, हम फ्रंट वाला पैर को दे सकते मगर नहीं दिया, हमने प्योर लायन का ही दे दिया, ठीक है, बोलोगे तो दे देंगे कोई दिक्कत नहीं, ईगल का पैर दे देंगे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम्हारा बर्ड का पैर भी तुम्हारा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, और पीछे वाला जो टाइगर का पैर होता है लाइक लायन का वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली आपको देखना है स्ट्रक्चरल फॉर्म वेट ले पाए या नहीं ले पाएंगे, ये देखना है थोड़ा सा, क्रैब भी मिक्स कर सकते हो जैसे स्कॉर्पियन किंग,
देखा क्रैब को कितना ह्यूज करके दिखाया एकदम। स्कॉर्पियन सर। हाँ स्कॉर्पियन यस। अच्छा थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं हम। बहुत ध्यान से एकदम डायरेक्ट डिटेल दे रहा हूं बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर ही। जस्ट एकदम ज्यादा डिटेल नहीं दे रहा हूँ, बेसिक स्ट्रक्चर पेपर जो तुम लोग ड्रॉ कर सकते हो उसी के हिसाब से मैं डिटेल दे रहा हूँ। जस्ट कोई भी डाउट्स हो पूछ लेना, जस्ट अभी वॉच इट, वॉच करते रहो, देखते रहना साथ साथ अब लोग। स्ट्रोक को कैसे यूज कर रहा हूँ लाइक ड्राइंग का जो बेसिक जो स्ट्रक्चर के ऊपर। फेदर का जो फ्लो होता है में क्या होगा तुम्हारा बर्ड का जो डिटेलिंग लाइक उसका जो स्ट्रक्चर फॉर्म देन बीक से लेके आईज सारी चीज तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे छोटा सा एक फॉलो होता है वीक में कोई भी बर्ड का देखना तो ना जिसमें वो सांस लेते
थोड़ा सा हम इसको हल्का सा टचअप करते हैं। इसी कलर में थोड़ा सा कर लेते, थोड़ा सा कलर का भी थोड़ा सा तुम लोग हल्का टच है, ज्यादा नहीं, बहुत कम डिटेल के साथ, थोड़ा अच्छा लगेगा और कुछ नहीं। एक मैंने थोड़ा सा या एक कलर में भी तुम लोग कर सकते हो, जैसे मुझे जब ड्रॉ करोगे एक कलर में कर। सिंपल है और इसको ड्रॉ करते रहना। स्ट्रोक के अकॉर्डिंग जैसे इसका फेदर का जो स्ट्रक्चर होता है, फेदर को यूज करेंगे। जस्ट ब्रश को कैसे हैंडल कर रहा हूँ, कैसे अप्लाई कर रहा हूँ देखते हैं। थोड़ा सा हम इसमें डिटेल दे रहे हैं, हल्का सा डिटेल जो आईज का जो पार्ट है इसमें थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसे ईगल का आईज का स्ट्रक्चर देख रहे हो ऐसे होते एक सर्कल, लाइक रियल ईगल पिक को उठा के उसके बाद आप लोग हेड को स्टडी कर लेना और ड्रॉ कर लेना साथ साथ। थोड़ा सा उसमें कुछ सा फीलिंग है, लाइक एंग्री थोड़ा सा फीलिंग है। ध्यान से Griffin is a most important character, mythical character, like historical जो character है, very important character, mythical Griffin character, बहुत interesting character है, इसका अच्छे-अच्छे movies भी है, 3D में बनाया, बहुत अच्छे movies है।
तुम लोगों को जब प्रोफेशनल ही है थोड़ा सा इसी चीज के ऊपर ना थोड़ा टाइम दो, क्यों ना तुम लोग जब किसी में किसी लाइक आर्ट फील्ड को लाइक 3D हो चाहे मॉडलिंग हो चाहे एनिमेशन, इस फील्ड को जब तुम लोग इसी को लेके जब आगे बढ़ना चाहते हो तो इस चीज को फोकस करना, लाइक थोड़ा टाइम देना इसमें, ऐसे ना हो बिल्कुल टाइम वेस्ट ना हो जाए, तो तुम्हारा ही फायदा होगा। सर ये आई का रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा बताइए। बताऊंगा मैं, अभी बताऊंगा, एक मिनट ये हो जाए कंप्लीट, बता दे। ओके सर, अभी बता दे जो रिफ्लेक्शन कैसे दोगे, लाइक थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए, चाहे बॉडी का लैंग्वेज डिटेल होके कंप्लीट लाइक नहीं कर पाए तो लाइक डिटेल में थोड़ा सा मैं उसको आईज को थोड़ा सा मतलब एक बहुत ज्यादा एक मतलब डिपेंड करता है इसके ऊपर पूरा कैरेक्टर लुक, पूरा कैरेक्टर लुक ही चेंज हो जाता है आईज और फेस। बता दे बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है। मैं वो हॉर्स का डिटेलिंग कर रहा था सर, फेस का, बाप रे सर बहुत सारा है। इंटरेस्टिंग ना, बहुत इंटरेस्टिंग है ना। हाँ बहुत अच्छा भी लग रहा है सर करने के टाइम। इसको सर कलर से ही बनाए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्लियर, अभी देखो कैसे बनाओगे, चाहे सिंगल कलर से भी बनाओ, मैं हल्का सा येलो टच किया थोड़ा अट्रैक्टिव देखने के लिए और कुछ नहीं है। चाहे तुम सिंगल कलर से बनाओ और जैसे भी बनाओ, एक चीज को हमेशा ध्यान रखना, लाइक यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहा हूँ साइड से, पहले फर्स्ट उसका जो दिख रहा है सबको ना बेसिक स्ट्रक्चर को एक बार ड्रॉ कर लेना जूम करके, बहुत ध्यान से उसको ड्रॉ करो, बिल्कुल स्लोली जूम करो, तो ना इसका आईबॉल थोड़ा बड़ा होता है, देन उसके बाद पहले मिडिल में एक सर्कल यूज करो, सिंगल वन कलर में कैसे करोगे, देन फिल डार्क ऊपर में, सबसे पहले डार्क, देखो एक चीज फॉलो करना, ये जो कलरिंग जो पिक्चर है इसमें भी देखो ऊपर में सबसे ज्यादा डार्क है, दिख रहा है ये पार्ट, ये जहां पे मैं कर्सर हिला रहा हूं, ये मूव कर रहा हूं, और नीचे वाला लाइट, क्यों ना सोर्स ऑफ लाइट ऊपर से ज्यादा नीचे में ज्यादा होता है, क्यों ना इसका जो ऊपर का जो टॉप जो पार्ट होता है उसका रीजन है, जो फेदर होता है उसमें थोड़ा डार्क एक टोन आ जाता है, ढका हुआ रहने से, ऑब्वियसली जो फेदर का होता है उसमें जैसे हमारा आईब्रो के ऊपर जैसे होता है, तो उसमें जो आई लैशेस होता है, आई लैशेस के नीचे जो एक स्किन, देन अंदर है आईबॉल, तो उसमें भी एक डेप्थ टोन आता है, सेम यहाँ पे भी ऊपर में टॉप में एक डार्क टोन आएगा और नीचे लाइट। अभी ड्रॉइंग में आ जाते, पहले क्या किया मैंने,
डार्ट किया सबसे पहले, फर्स्ट डार्ट करने के बाद इसको आराम से बिल्कुल थोड़ा सा लाइट टोन, थोड़ा लाइट उसी का नीचे टोन में फील करो, बिल्कुल लाइट करके एकदम फील कर दो पूरा। अभी बीच में चाहिए और एक छोटा सा डेप्थ, और ऊपर में वही कलर को हम थोड़ा सा अप्लाई कर रहे हैं, ब्रश को थोड़ा थिक करके, थोड़ा सा थिक ज्यादा नहीं, और उसी को हम घुमा रहे हैं राउंड में जो उसका आउटर स्ट्रक्चर है, और यहां पे थोड़ा सा डार्क। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, एकदम इधर आ जाओ, कलर पैलेट दिख रहे सबको, यहाँ पे आ जाओ या थोड़ा सा नीचे आ जाओ फर्स्ट। देन एकदम व्हाइट में जाओ टॉप, और हल्का सा डार्क को यहां पे मिक्स कर दो, हल्का सा लाइट कर दो। क्लियर दिख रहे हैं? ओके ओके सर। अब इसको जूम करते हैं, क्या रिजल्ट आ रहा है वो भी देख लो। देखो चमक रहे? यस सर। तो जब भी बनाओ और एक चीज, हाँ बोलो सर, ये मतलब लाइट तो मतलब मैं जब सामने लाइट होगा एक दो, मतलब दो तीन लाइट होगा तब रिफ्लेक्शन बढ़ेगा तो ना सर? हाँ ऑब्वियसली, जब सामने फ्रंट पे एकदम फोकस लाइट जब होता है, एक्चुअली क्या हम लोग जब ड्राइंग या मॉडलिंग या कोई भी जब पेंटिंग करते, कोई भी चाहे फोटोशॉप में करे चाहे मैनुअली करे चाहे 3D में कोई अच्छा सा मॉडलिंग करे, देन उसके बाद जब कलरिंग करेंगे, कलर अप्लाई करेंगे धीरे धीरे लाइक उसमें जब ग्रेजुअली, तो उसमें क्या होता है सबसे पहले सोर्स ऑफ लाइट को ध्यान रखना है जो पूरा अप्लाई करना है या पर्टिकुलर एक पॉइंट में, थोड़ा सा आईबॉल को भी हाईलाइट होना चाहिए ना, लाइक एकदम कंचे की तरह, लाइक जैसे क्रिस्टल थोड़ा सा लाइक एकदम ब्राइट एकदम। अभी मैं इसको लाइट को ऑफ कर दूं तो क्या लगेगा देखो, तुम्हारे सामने मैं ऑफ कर रहा हूं दोनों तरफ ऑफ कर दे, जस्ट वन मिनट के लिए देखो, सपोज ऐसे कर दिया मैं, कोई लाइट नहीं अप्लाई किया तो इसका क्या रिजल्ट आ रहा है वो भी देख लो। आईबॉल है मगर डेड लग रहा है, लाइक उसमें लाइफ नहीं लग रहा है कि नहीं, लाइक एकदम जो एक होता है ना लाइक लाइफ वो नहीं लग रहा है, लाइक एक जिंदा वो नहीं लग रहा है, डेड डेड लग रहा है, बिल्कुल मरे हुए लग रहा है। आइस का स्ट्रक्चर तुमने अच्छा बनाया, कलर अच्छा फील किया, सब कुछ किया, मगर सिर्फ लाइट के वजह से थोड़ा सा कितना तक लाइट देना है और कितना परसेंटेज उसमें हाईलाइट टचअप करना है ये थोड़ा सा तुमको स्टडी करना पड़ेगा, थोड़ा सा दो तीन बार ट्राई करो आ जाएगा, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्लियर? थैंक यू सर। ओके नहीं क्लियर तो स्ट्रक्चर को कैसे डेवलप करोगे? हां सर। ओके नाउ सारे स्टूडेंट को बोल रहा हूं कोई भी डाउट्स हो पूछना सर, इसमें कोई वो नहीं है लाइक सर ने क्या बोलेंगे ये सब चीज नहीं है, तुरंत पूछ लेना एकदम जो सर ये कैसे बनाओ। अभी फेदर, फेदर का भी एक रेशियो होता है। अच्छा और एक चीज है, तुम लोग यहाँ पे उसको अप्लाई कर सकते हो, जैसे ईगल का फेस को बहुत अच्छे तरीके से जब स्टडी करोगे, अभी तो मैं यहाँ पे स्टाइलाइज कर रहा हूँ, जब रियलिटी में स्टडी करोगे फोटोग्राफ के साथ तब देखना यहाँ पे उसका स्किन नजर आता है इस जगह पे, वो तुम अप्लाई कर सकते हो मगर आइडिया से अंदाजा से नहीं, रियल पिक को उठाना ईगल को, उसको देखो और प्रॉपर तरीके से उसमें स्किन को यहाँ पे अप्लाई करो। मैं अभी यहाँ पे स्टाइलाइजेशन के लिए लाइक एज ए ग्रिफन कैरेक्टर के लिए थोड़ा बहुत यहाँ पे फेदर अप्लाई कर दे रहा हूँ, नहीं तो रियलिटी में यहाँ पे स्किन दिखता है 100% श्योर, हल्का हल्का स्किन यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा फॉलो करना, लाइक स्टडी कर लेना रियल पिक को देख के या उसमें यूट्यूब में देख के स्टडी कर लेना, कोई अच्छा सा बुक हो उसमें भी देख सकते हो।
जिसमें फोटोग्राफ का बर्ड का अच्छा अच्छा रेफरेंस है, उसको भी देख के स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे हल्का हल्का फेदर देंगे हम, थोड़ा सा बिल्कुल लाइट छोटे छोटे फेदर आ जाएगा यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बड़े बड़े करके फेदर अप्लाई करना है लाइक दिस। थोड़ा सा मैं टचअप कर दे रहा हूँ लाइक तुम लोग थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कैसे, ज्यादा फेदर का डिटेल नहीं दे रहा हूँ क्योंकि और भी आगे कैरेक्टर है, तीनों कैरेक्टर है, तुम लोग जब बनाओगे और मेरे को दिखाते रहना एक एक चीज में बता दे रहा हूँ साथ साथ। बिल्कुल ग्रेजुअली एक के नीचे एक स्टेप बाय स्टेप उसको अप्लाई करना है। बहुत केयरफुली अप्लाई करना है उसको। जस्ट उसका जो फ्लो फेदर का कैसे डायरेक्शन जाता है, उसका कैसे डिटेलिंग लाइक बॉडी का स्ट्रक्चर का अकॉर्डिंग इसको मतलब फॉलो करते रहे। अभी इसमें हम थोड़ा सा बॉडी का लैंग्वेज जो है उसको थोड़ा डिटेल देंगे लाइक। अच्छा और ध्यान से देखो से फेदर हल्का हल्का आ जाएगा, हल्का करके बिल्कुल कुछ मसल्स अंदर छुप जाएगा, अंदर की तरफ होता है, और जो नहीं होता है उसमें हम डिटेल देंगे मसल्स फ्लो का अकॉर्डिंग, लाइन का जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसी का अकॉर्डिंग हम उसमें थोड़ा सा हल्का हल्का करके डिटेल और स्ट्रक्चर को भी फॉलो करते रहेंगे। इसमें थोड़ा फर होता है, लाइन का थोड़ा सा फर होता है, तुम लोग देखते रहना रियलिटी को लाइक पिक्चर या जैसे डिस्कवरी चैनल हो गया, एनिमल प्लैनेट हो गया, रियल पीक में भी देख सकते हो। सबसे बेस्ट एग्जांपल है नार्निया, नार्निया मूवी में जो लाइन बनाया है टोटली 3D कंसेप्ट, और उसमें जो डिटेल दिया बिल्कुल रियल भी फेल हो जाएगा, इतना ज्यादा डिटेल, हाई डिटेल एकदम। सबने देख चुके हो नार्निया मूवी, यस सर। जो कैरेक्टर है यस, बहुत लाइक डिफरेंट कैरेक्टर, उसी को देख के तुम लोग स्टडी कर सकते हो, बहुत बढ़िया हो जाएगा एकदम रियल को प्रॉपर तरीके से स्टडी करके उन्होंने बनाया। रियल के सामने भी उसको ले आएंगे ना, रियल भी वो सोचेंगे यार ये तो हमारा ही है। बॉडी का जो लैंग्वेज है इसको फॉलो करो। आपका फेवरेट है क्या सर मूवी? मूवी बहुत अच्छा लगता है सच में, नानी जबरदस्त मूवी, और एक स्पिरिट बहुत अच्छा देखा स्पिरिट। हाँ सर कल आप बोले थे थोड़ा देखा हूँ और मस्त है। नहीं सर और एक मूवी देखना एनिमेशन कर, एनिमेशन देखने के लिए 2D का लाइक तुम लोग तो एनिमेशन भी तो करोगे 3D में, मगर मैं बोल रहा हूँ 2D का द ब्यूटी एंड द बीस्ट, जबरदस्त मूवी मतलब। हाँ सर बहुत सही है देखा हूँ, बहुत सही है 2D वाला, 3D नहीं, 3D तो है, 2D वाला देखना है जो
एनिमेशन जो एनिमेटेड मूवी है जो बहुत पहले था स्टार्टिंग में लाइक 1947 या लाइक 57 के आसपास ऐसे कुछ हो ब्यूटी एंड द बीस्ट फाइंडिंग निमो देखा फाइंडिंग निमो हाँ सर बहुत बढ़िया है सर फीस का देखा कैरेक्टर हैप्पी फीट जो उसमें था पेंगुइन हैप्पी फीट स्टडी करो बहुत स्टडी करो मेरे को भी अभी भी लगता है कुछ भी नहीं है अभी भी स्टडी करना पड़ेगा सचमुच मैं बोल रहा हूँ बिलीव करो तुम लोग बहुत अच्छा लगता है एनिमल बर्ड्स सारे चीजें सारे तब तुम लोग जैसे मॉडलिंग करोगे कुछ भी करोगे एनिमेट करोगे एनिमेशन करोगे 3D में क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट टोटली एकदम जो हाँ सर नहीं ये आपने जो मैंने जो बनाऊंगा शायद कोई दिक्कत हो रहा है तुम बोल सकते हो नहीं सर इसका चलने का स्टाइल ऐसा है हमने देखा रियलिटी में या स्टडी किया प्रॉपर अच्छा एक पैर में ईगल बना दे रहा हूँ ठीक है तुम लोग को जस्ट स्टडी करने के लिए जो बर्ड का पैर कैसे होगा उसी के हिसाब से बना दे रहा हूँ कुंभ पंडा देखा तुम लोग हाँ सर देखा है हाँ सर देखा हूँ कैरेक्टर देखा मस्त कैरेक्टर को ऐसे अप्लाई करो बिल्कुल एकदम जैसे बोलेंगे वैसे एकदम करो किसी में भी करो स्क्रिबल करो मॉडलिंग करो एनिमेशन करो कुछ भी करो लाइफ आ जाएगा बिल्कुल उसमें अभी फिंगर बना रहा हूँ ईगल का देखना बहुत ध्यान से करो जस्ट वॉच फॉलो करते रहो इसके नीचे लेयर पे एक बार डायरेक्शन दिखा दे रहा हूँ कैसे होता है उसका पैर का पोजीशन उसका पैर का जो स्ट्रक्चरल फॉर्म उसको एक बार देख लो देन उसके बाद हम डिटेल देंगे अल्फा नीचे लेयर पे है हमारा लॉक एंड डिटेल बहुत इजी है कोई टफ नहीं है जस्ट फॉलो वॉच करते रहना उसको
छोटे छोटे जो उसके अंदर जो फेदर होता है वो छोटे छोटे, उसको थोड़ा सा डार्क एंड लाइट, डेप्थ एंड लाइट, ऐसे करके टोन में उसको कंप्लीट करोगे तुम लोग। यही फॉलो, इसी चीज को फॉलो करते रहना, इसी फेदर का डायरेक्शन में। ये चीज तुम्हारा लाइक होमवर्क है, सबने मेरे को एक बार दिखा होगा मंडे को करके दिखाना मेरे को, जस्ट इस डायरेक्शन को फॉलो करते रहना, कैसे फेदर का जो डिटेलिंग होता है उस चीज को फॉलो करते रहना। जस्ट कैसे डिटेल हो गए थोड़ा सा देख लो। बिल्कुल उसी के फ्लो में जो उसका जो स्किन होता है नेल्स पे, लाइक नेल्स के ऊपर जो फिंगर का जो ऊपर जो स्किन होता है उसको थोड़ा सा ध्यान से, ये जो स्किन का जो सॉरी रिंकल को उस हिसाब से लाइक अप्लाई कर लो।
होगा सर। फिनिश कर देना, मशीन में थोड़ा टचअप कर देना, हल्का करके बिल्कुल स्लोली और बहुत केयरफुली इसको ड्रॉ कर। आप लोग और एक चीज करना, इस पैर को हो सके तो फ्लैट में भी कर सकते हो, उसके लिए मैं एक डायरेक्शन दे दे रहा हूँ नीचे से। डिटेल उतना ही दोगे जैसे यहाँ पे दिया, जस्ट एक प्रॉपर स्टेबल भी कर सकते हो पैर को, देखने और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने पहले ही लाइन का पोजीशन के हिसाब से ड्रॉ कर दिया, तो बेटर है अपने स्टेबल स्ट्रेट कर देने इसको, बिल्कुल स्ट्रेट एकदम, जैसे पैर जैसे जमीन पे खड़ा होता है लाइक स्टैंडिंग लाइक पोज में। जस्ट बेसिक ब्लॉक को ड्रॉ कर दे रहा हूँ, उसी के ऊपर डिटेल ऐसे ही होना चाहिए एकदम। और एक फिंगर अभी बोलोगे सर कहाँ गया, पीछे, वो पीछे की तरफ मर्ज हो जाता है। लाइक बहुत कम नजर आता है, बहुत कम। लाइक दिस। अच्छा यहाँ पे तुम लोग जैसे अभी बोल रहे थे ना, जो सर स्टाइलाइजेशन लाइक कोई कोई फिंगर में देखना, एक साइड से ऐसे एक नेल्स आता है जो यहाँ पे दिखाना चाहिए था, मिस हो गया थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा आप ड्रॉ करके इसको अप्लाई कर सकते हो, लाइक दिखा सकते हो यहाँ पे जैसे स्टैंडिंग में लाइक दिस, एंड फोल्ड हो जाएगा जब मुड़ जाता है फिंगर लाइक, तब थोड़ा सा इसी पोजीशन में उसको ड्रॉ करना है। डिटेल ऐसे दोगे मैंने बेसिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, स्टेबल पोज में लाइक जैसे स्टैंडिंग पोज में कैसे होगा वो मैंने ड्रॉ करके यहाँ पे दिखा दिया। नाउ अभी इसका रह गया विंग्स एंड बैक। विंग्स का जो पोजीशन है देख लो एक बार कैसा है, उसका फ्लो, उसका फेदर कितना बड़े बड़े है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे फेदर का डायरेक्शन के हिसाब से जैसे पहले मैंने बता दिया ड्रॉ किया, उसी का हिसाब से आपको पहले ड्रॉ करना है लाइक डिटेल के साथ उसको ड्रॉ करना है। लाइक ये होता है इसका जो विंग्स का जो स्ट्रक्चर, उसी में हम डिटेल दे रहे हैं। हम डिटेल देते हैं लाइक दिस एंड फेदर, फेदर का जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है लाइक उसी के हिसाब से हम इसको अप्लाई करेंगे।
बिल्कुल ग्रेजुअली और बहुत केयरफुली इसको अप्लाई करना है। जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको इरेज कर देना, आप लोग जब बनाओगे इसको इरेज कर रहा हूँ बिल्कुल प्रॉपर, इसको इरेज करके देन फिर आपको ड्रॉ कर लेना। सेम अंदर की तरफ जो है लाइक जो पीछे की तरफ जा रहे हैं अगेन अपोजिट डायरेक्शन सॉरी इक्वल सेम डायरेक्शंस स्मॉल होते जाएगा पीछे की तरफ जितना दूर में जाएगा लाइक दिस पीछे वाला पीछे में जब जाएगा देखो इसका जो पीठ है ऊपर जो पार्ट है उसमें ये जो पार्ट है ये जो इसका जो एक मसल्स या बोन स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो इसमें ये वाला जो पार्ट है इसका पीछे जो फेदर होगा ये नहीं दिखेगा क्योंकि तो उस तरफ अंदर की तरफ रहता है तो ये हल्का सा फेदर कंटिन्यूशन में दे देना यहाँ पे वैसे बहुत ही कम ही दिखेगा क्योंकि तो पीछे की तरफ छुप जाता है लाइक इधर से आपको प्रॉपर दिखाना है जितना आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है लाइक उसका जो लेंथ है उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर दिखाना है। Then, थोड़ा लाइट करके दिखा देना तो ना फ्रंट वाला भी फेदर है मिक्स ना हो जाए उसके साथ थोड़ा हल्का करके इसको ड्रॉ कर लेना एंड स्ट्रोक भी यूज कर सकते हो आप लोग डिफरेंट दिखाने के लिए आप लोग स्ट्रोक यूज कर सकते हो थोड़ा सा स्ट्रोक अप्लाई कर देना। Then, थोड़ा लाइट कर देना हल्का सा हाँ बोलो इसका पांच हाथ है सर क्या कह रहे हाथ तीन है सर क्लियर नहीं आ रहा तो इसका हाथ तीन है सर तीन
मैं आपको क्या बोला था, जो ये मूवमेंट को दिखाने के लिए थोड़ा सा मतलब स्टार्टिंग में वो दिखाया था ना, क्या नाम है, लायन का जो पोज, इसीलिए हमने ब्रेक किया था, यहाँ से मूव किया था, मगर तुम लोग जब बनाओगे स्टेबल बना देना लाइक ये वाला, इसीलिए ड्रॉ करके दिखाया, मतलब डिटेल वैसे ही दोगे, मैं इसीलिए इरेज नहीं कर रहा हूँ इसको, नहीं तो मैं कट कर दे रहा हूँ, एक मिनट मैं कट कर दे रहा हूँ, ओके, मतलब पोजीशन कैसे होगा उसके लिए मैंने, चलो कट कर, ये अलग, ठीक है ये अलग कर दे, यहाँ पे कर दे, एक्चुअली पोजीशन दिखाने के लिए आप लोग स्टेबल कर सकते हो लाइक आगे की तरफ, जैसे पंजा लाइक सॉरी फिंगर ऐसे स्टेबल है लाइक जमीन पे पड़ा है, वो ऐसे भी दिखा सकते, मतलब समझाने के लिए मैंने ड्रॉ कर दिया था पास। ओके सर। ओके अभी बैक, जो चेस्ट एंड स्टोमक बोथ थोड़ा फिनिशिंग कर दो इसको, एंड टॉप muscles go back in detail for the study group. स्ट्रेच कर देते पैर पे थोड़ा सा दिखाने के लिए, फेस लाइन फेस लाइन lines then over the size ko stretch karke dikha de back thoda sa piche ki taraf mun le jaate chahe na de kaise again depth like this, जो joints होता है जैसे dog and cat में बताया था, same bone structure, थोड़ा सा यहाँ पे बड़े होता है, हल्का सा स्ट्रोक
अप्लाई कर सकते हो अपने, जस्ट डिटेल देने के टाइम में थोड़ा सा अप्लाई कर देंगे। फिंगर ग्रेजुअली थोड़ा कम दिखेगा जो पीछे वाला पैर है। बहुत ध्यान से फिंगर को थोड़ा को ड्रॉ करना। थोड़ा डेप्थ ना बैक जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसी का हिसाब से हम लेग में डिटेल दे रहे हैं। इजी भी है और इंटरेस्टिंग भी है। मसल्स फिगर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिटेल स्ट्रोक में उसमें वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं थोड़ा सा हर जगह, मतलब कुछ कुछ जगह पे जहाँ पे यहाँ पे लग रहा है जो वॉल्यूम देने में थोड़ा फिगर में और भी अच्छा लुक लगेगा उस चीज में थोड़ा सा हम लोग स्ट्रोक अप्लाई कर सकते हैं। Then again detail like थोड़ा zoom करो जूम करके आप लोग डिटेल देना जूमिंग करके तो ना फिंगर में डिटेल दोगे तो स्ट्रक्चर के हिसाब से लुक वाइज अच्छा भी लगेगा देखने। ग्रेजुअली जैसे हम लोगों को बताया था ह्यूमन फिगर में सेम इसका भी लाइक एनिमल में भी वही होता है जो इसका जो डायरेक्शन होता है लाइक पंजे का लाइक फिंगर का उस हिसाब से ग्रेजुअली आपको उसको छोटा करना है एंड मर्ज कर देना पीछे की तरफ। इसमें नेल्स नहीं दिखता है आपको बताया था, नेल्स जब हंट करते एक शिकार करते तभी वो नजर आता है। थोड़ा सा हम इसमें डेप्थ अप्लाई कर रहे हैं जो अंदर का पार्ट है इसलिए। Now, थोड़ा फिनिशिंग हल्का सा बीच बीच में फिनिश कर देते एंड डेप्थ हल्का सा स्ट्रोक रिजल्ट क्लियर। हेलो स्टूडेंट सर। यस सर ओके रह गया टेल। टेल को थोड़ा डिटेल दे देते
हम इसमें फर दिखा रहे लाइक लैन का जो टेल होता है उसमें फर होता है. Clear? Okay, sorry student, clear? Griffin character? Yes sir. Yes. तो तुम लोग बनाओगे जब एक पैर को जब भी like stable बनाओगे ईगल का तो ईगल का structure मैंने दे दिया. Finger का कैसे होना चाहिए, detail ऐसे होना चाहिए जैसे मैंने finger का detail दिया. और सबसे best है आप लोग फोटोग्राफ देखोगे तो और भी बढ़िया हो जाएगा, मतलब एकदम रियल हो जाएगा और कोई उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. ठीक है, इसको थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कर लेना. डिफरेंट पोज में लायन का एक पोज ले लिया तुमने, ये तो जस्ट साइड से इसीलिए दिखाया जो चारों पैर का आपका प्रॉपर मसल स्ट्रक्चर बॉडी का लैंग्वेज पता लगे. क्यों ना ये दिखा देते तो तुम लोगों को कुछ ना कुछ चीजें छुप जाता, बॉडी का प्रोपोर्शन या बॉडी का जो स्ट्रक्चर ये क्लियर नहीं होता क्योंकि पर्सपेक्टिव में है, थोड़ा सा एक्शन पर्सपेक्टिव मूड में है. इसको थोड़ा सा आप लोग स्टडी कर लेना. नाउ नेक्स्ट एनी डाउट्स स्टूडेंट? ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर हम स्टार्ट करते हैं लाइक थोड़ा सा मैकेनिकल कैरेक्टर, रोबोटिक कैरेक्टर, इसको थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं. सर एक दिन ये जो कैरेक्टर बनाया है आपने इसी को थोड़ा कलर डिटेल दे के बताएंगे सर थोड़ा एक दिन टाइम मतलब होगा तो सर? हाँ बिल्कुल, तुम लोग थोड़ा सा मेरे को दिखाओ तो मैं स्पेशल क्लास में आपको दे दूंगा. हाँ, सर हाँ जैसे मर्जी, मतलब हम लोग डिसाइड करेंगे तुम लोगों के साथ ही डिस्कस करेंगे जब क्या क्या एनिमल क्या क्या बर्ड मिक्स कर सकते आप लोगों के साथ डिस्कस करके हम उसी को अप्लाई करके बनाएंगे. ठीक है, बर्ड हो, इंसेक्ट्स हो, देन ह्यूमन बीइंग हो, रेप्टाइल्स भी दे सकते हो आप लोग. ठीक है, उस हिसाब से हम ड्रॉ करेंगे, पहले पोज को कैप्चर कर लेंगे. क्यों ना कैरेक्टर डिजाइन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, क्यों ना तुरंत नहीं होता है, उसके लिए थोड़ा सा कंसेप्ट को क्लियर करना चाहिए जो हाँ मैं बॉडी लैंग्वेज ये देखना चाहता हूँ, चाहे रेप्टाइल्स हो चाहे एनिमल हो. फेस को बीस्ट की तरह दिखाना चाहता हूँ, बीस्ट का जैसे फीचर्स होता है वैसे दिखाना चाहता हूँ. ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को तुम लोग क्लियर करके मेरे को जैसे बताओगे उस हिसाब से मैं ड्रॉ करके एकदम डिटेल बनाऊंगा. ठीक है ना, ओके सर, नो प्रॉब्लम. हाँ तो अभी हम रोबोटिक कैरेक्टर स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा. चलो थोड़ा सा आप लोग देख लो मैकेनिकल कैरेक्टर लाइक रोबोटिक, डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे कैरेक्टर होता है रोबोटिक कैरेक्टर में. ठीक है, तो मोस्टली ह्यूमन फिगर्स को इन्होंने मशीनरी लाइक डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स को यूज करके उन्होंने एक कैरेक्टर को डेवलप किया. तो हम लोग भी क्या करेंगे ह्यूमन फिगर को स्ट्रक्चर के या डिफरेंट पोज में उसको स्टैंडिंग लाइक खड़ा करके उसको हम मशीनरी हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, जस्ट वॉच देखो, देन उसके बाद हम थोड़ा सा स्क्रिबल करके बता रहे हैं. ठीक है, अच्छा जस्ट वन मिनट, एक मिनट जस्ट. Just one minute.
अच्छा ओके स्टार्ट करते हैं। कुछ इमेजेस दिखा रहा हूँ, लाइक थोड़ा सा एक बार देख लो, देन उसके बाद हम रोबोटिक कैरेक्टर दिख रहा है सबको स्क्रीन। ओके ओके लाइक दिस डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर तुम्हारे सामने, बट जस्ट फॉलो करो। ह्यूमन कैरेक्टर को ही उन्होंने लाइक पोज में रख के, जैसे ह्यूमन पोज होता है लाइक डिफरेंट डिफरेंट पोज में रख के उन्होंने रोबोट लाइक एज ए मशीनरी जो यूज किया उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। तो पहले वही बात है, सबसे पहले आप एक बार ह्यूमन फिगर को सबसे पहले ड्रॉ करना है। लाइक एक एग्जांपल सपोज ऊपर लेयर पे करते हैं, एक मिनट जस्ट देन मर्ज कर दें। ओके एंड मर्ज लेयर। ओके फाइन, नाउ अभी तुम लोगों को जो ह्यूमन का जो पोज होता है, डिफरेंट डिफरेंट जो पोज होता है उसको थोड़ा सा आप लोग एक बार बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, देन उसके बाद रोबोटिक कैरेक्टर कैसे होगा उसको ड्रॉ करते हैं। एक सिंपल है, बहुत इजी भी है। लाइक सबसे पहले एक बार बेसिक ब्लॉक को ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट लाइक सपोज इसी स्ट्रक्चर को तुम दिखाना चाहते हो, ये वाला सपोज खड़ा है जो स्टैंडिंग है। लाइक एग्जांपल के तौर पे लाइक पहले सर्कल, देन स्ट्रेट लाइन, किस डायरेक्शन में करा है ये चीज शुरू से पता था। पहले हम लोगों एक बार पोज को जस्ट कैप्चर कर लेना लाइक डिफरेंट पोज में, चाहे एक हाथ को तुम यहाँ पे रख सकते हो, दोनों हाथ को भी रख सकते हो, योर चॉइस। देन बेसिक ब्लॉक, सबसे पहले बेसिक ब्लॉक स्क्रिबल करते रहना, स्क्रिबल करते करते उसको डेवलप करते रहना। लाइक कैसे खड़ा होगा उसमें, कैसे बॉडी का पोजीशन तुम लोग अप्लाई करोगे, लाइक ड्रॉ करोगे टोटली योर कॉन्सेप्ट लाइक आइडिया से उसको ड्रॉ करना। डिफरेंट लाइक मोड लाइक दिस ऐसे दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो, या हाथ को ऐसे दिखा सकते हो, या दोनों हाथ को थोड़ा सा ऐसे पोज़ में भी दिखा सकते हो लाइक दिस। ऐसे भी दिखा सकते हो, देन हेड स्ट्रक्चर कंट्रोल टी स्मॉल करो, देन बीच में उसको सेटिंग करो, प्लेसमेंट में उसको मिडिल में करो। क्लियर? पहले पोज को कैप्चर कर लेना फर्स्ट। क्लियर सब कुछ, सारे स्टूडेंट को दिख रहा है? नाउ अल्फा फर्स्ट एंड न्यू लेयर, इस लेयर को लॉक कर दो बेशक। तुम्हारे सामने पहले जब देख के ड्रॉ करोगे इमेजेस को, मशीनरी जो पार्ट्स उसको सामने रखना, डिफरेंट डिफरेंट जो लाइक मशीनरी चीज है उसको सामने रख के देन ड्रॉ। चाहे तुम हेड तुम्हारे स्ट्रक्चर में हेड लाइक प्रॉपर स्ट्रक्चर पीछे है, ये न्यू लेयर पे क्रिएट कर रहे हो तुम लोग like this, different different structure use कर सकते हो, different different blocks, different different masonry parts। इसको थोड़ा सा different look में अलग सा दिखा सकते हो, थोड़ा सा zoom कर लेते हैं हम इसको, like follow कैसे develop कर रहे हैं हम character को, कैसे develop करते हैं like different different character को कैसे draw करते हैं और उसको कैसे बाद में फिनिशिंग दे देते हैं। कोई चेंजेस हो तो इसी में हम चेंजेस करेंगे, कोई ऐड करना है तो इसी में हम ऐड करेंगे, लाइक थोड़ा सा हम डिफरेंट लुक्स दिखाना चाहते हैं।
सब ब्लॉक्स में ही होगा फर्स्ट, लाइक यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहते हैं। ह्यूमन पोज को पीछे रख के लाइक अल्फा करके उसको तुम बॉडी को डेवलप करो, उसी पोज को देख के थोड़ा सा डेवलप करते रहना। लाइक जैसे जैसे यहाँ पे मेसनरी पार्ट्स यूज किया उन्होंने, उसी चीज को तुम लोग भी ऐड करते रहना डिफरेंट डिफरेंट। तुम कोई दूसरी जगह से भी उठा सकते हो, कोई रोबोटिक कैरेक्टर सर्च करके अच्छा सा उसी को देख के थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे कैरेक्टर को यूज करके उसको ड्रॉ करके मेरे को दिखा सकते हो। देन चेस्ट, इसके साथ ये तुम ऐड कर सकते हो कोई मशीनरी पार्ट्स, कोई चीज लाइक मेटालिक कोई पार्ट हो सकता है। देन ब्लॉक, लाइक बेसिक स्टार्टिंग में ब्लॉक को डेवलप करना। डेप्थ, इसमें क्या होगा तुम्हारा जो बॉडी का जो जो तुम सोच रहे हो कंसेप्ट जो दिखाना चाहते हो मॉडलिंग में या ज़ीब्रास में, कोई भी डिटेलिंग जब दोगे तो ये कंसेप्ट तुम्हारे लिए एकदम क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद तुम एनिमेशन करो उसका और भी डिटेलिंग दो। मेन बेसिक पार्ट है तुम्हारा स्ट्रक्चर, तो ये सब चीज ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तुम कुछ चीजें ऐसे ऐड कर सकते हो लाइक चेन, काइंड ऑफ चेन लाइक ऐसे फ्लेक्सिबल लाइक बॉडी हो सकता है पीछे पार्ट थोड़ा सा, अगेन स्ट्रॉन्ग लाइक जैसे यहाँ पे है मेटालिक लुक। एलोंगेटेड कर सकते हो तुम लोग। शूज को थोड़ा बड़ा दिखा सकते हो। देन अगेन ऑपोजिट जस्ट स्क्रिबल फर्स्ट, कोई डिटेल मतलब एकदम वन लाइन सिंगल लाइन डिटेल नहीं, क्यों ना इसमें भी चेंज हो सकता है बाद में फिनिशिंग करने के टाइम में कंसेप्ट चेंज भी कर सकते हो। ब्लॉक स्ट्रक्चर में उसको फाइनल जस्ट स्क्रिबल स्क्रिबल करते करते इसको डेवलप करते रहना।
हैंड थोड़ा सा इस हैंड को भी करते लाइक मेटलिक लुक ब्लॉक 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 सारे ब्लॉक ब्लॉक नहीं होना चाहिए क्योंकि रोबोटिक कैरेक्टर है इसमें तुम मेटलिक लाइक मेटल का जो फ्लैट फ्लैट जो सरफेस है यूज कर सकते हो फिंगर में तुम छोटे छोटे पार्ट्स यूज कर सकते हो मूवमेंट के लिए अब तुम्हारा क्लियर हो जाएगा वो चीज जब मूवमेंट यूज करोगे नाउ इसको तुम कवर भी कर सकते हो मतलब डिपेंड कर रहा है तुम कैसे कैसे इसको दिखाओगे अभी इसको करते हैं थोड़ा सा छोटा सा एक कॉर्नर पे करते हैं हमारे सामने ये कैरेक्टर लॉक करते जिस लेयर पे काम हो रहा है उसको थोड़ा सा ऊपर कर देते और नीचे वाले को ऑफ कर देते क्लियर यहाँ तक स्टूडेंट हेलो यस सर हाँ सर यस सर अभी ओके देन इसके बाद हम डिटेल जब देंगे अल्फा ऑपोसिटी कम कर दो एकदम कम जितना हो सके जैसे तुमको दिखेगा पीछे का लेयर अगेन लॉक सेम सेम चीज जैसे पहले भी ड्रॉ किया था उस हिसाब से देन इसको डिटेल करते अभी यहां से हम डिटेल देखेंगे कौन सा फेस यूज करेंगे किसको हटाएंगे कौन सा लाइक बॉडी पार्ट को हम इसमें ऐड कर सकते हैं इसी चारों में से इस चीज को देखना पड़ेगा लाइक जो तुमको अच्छा लगेगा वही चीज एक एक करके सिंगल लाइन जैसे पहले जो जितने सारे मैंने ड्राइंग लिखा था उसी के हिसाब से आप लोग यहाँ पे ऐड करते रहना न्यू लेयर पे भी एकदम फ्रेश न्यू लेयर पे लाइक सपोज मान के चलो ये हेड मेरे को अच्छा लगेगा अच्छा लग रहा है उस हिसाब से हम इसको तुम इसको भी यूज कर सकते हो इसको भी यूज कर सकते हो बहुत सारे तुम्हारा स्ट्रक्चर मिल जाएगा नेट पे ही तुम उसको उठा सकते हो कुछ ऐड भी कर सकते हो कुछ अपने मर्जी से भी जोड़ भी सकते हो या हटा भी सकते हो सब सारे जो चीज यहीं से लेना पड़ेगा कोई जरूरत नहीं है मगर प्रॉपर प्रोपोर्शन स्ट्रक्चर एट फर्स्ट क्लियर होना चाहिए डिसबैलेंस नहीं होना चाहिए कोई डिसप्रोपोर्शनेट ना लगे वो भी देखना है देन उसके ऊपर तुम ऐड करो जो मर्जी करो कोई दिक्कत नहीं है वो चीज अच्छा लगेगा देखने में जस्ट फॉलो जस्ट सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं कोई कोई चीज किसी जगह से भी हम ले सकते हैं कोई पर्टिकुलर वो नहीं है जो ये से ही ऐड करो मेंशन नहीं है अपने मर्जी से भी कुछ चीजें ऐड कर सकते हो लाइक रोबोटिक कैरेक्टर में मैकेनिकल कैरेक्टर में थोड़ा सा जस्ट फॉलो करो एकदम जैसे इधर बनाओगे वही चीज ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब कोशिश करना इक्वल रखने का ड्रॉइंग का जो स्टाइल है थोड़ा डिफरेंट है लाइक जैसे हमने रियलिटी को देख के बनाया था और इसमें थोड़ा सा अंतर है
ड्राइंग का जो स्टाइल लाइक जैसे तुम स्क्रिबल करने के बाद जब फिनिशिंग लाइन से जब इसको ड्रॉ करोगे रोबोटिक कैरेक्टर को जब ड्रॉ करोगे मिशनरी कैरेक्टर तब थोड़ा सा इसको डिटेल और लाइंस को फॉलो करते रहे ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसी को देख के जब भी कैरेक्टर मॉडल से बनाओगे डिफरेंट पोज को यूज करना कोई भी डाउट्स हो तो पूछना जरूर थोड़ा मिक्स मैच करके जो कैरेक्टर तुम लोग बनाओगे कैरेक्टर ऐसा ब्लॉक ब्लॉक स्टाइल पे थोड़ा बनाने का कोशिश करना सारे मशीनरी पार्ट्स होता है तो नजर आ रहा है स्क्रीन या दिखाई दे रहा है समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है नहीं सर ठीक है सर जस्ट
एक मिनट अटेंडेंस ले लेता हूँ, एक मिनट जस्ट एक। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट चीजें यूज करेंगे, थोड़ा सा लाइक डिफरेंट मिशनरी पार्टी कुछ डिफरेंट यूज करेंगे। slowly धीरे धीरे इसको डेवलप करना है। जैसे जैसे तुम लोग सोचोगे लाइक कंसेप्ट जैसे डेवलप करोगे तुम्हारा अपना आइडिया उस हिसाब से डेवलप करते लाइक ड्रॉ करते रहे। सिंपल कोई ऐसे लाइक चुपर भी थोड़ा सा है मेटलिक लाइक सरफेस दे सकते हो तुम लोग डेप्थ अप एंड डाउन दिखाने के लिए। मैकेनिकल कैरेक्टर में डिटेल देते देते उसको कंप्लीट करते हैं तभी अच्छा लगेगा मैकेनिकल कैरेक्टर। अगेन लोअर पार्ट
थोड़ा सा इसमें लाइक ह्यूमन स्ट्रक्चर को रख के पार्ट को थोड़ा डिटेल देते हैं। इसमें थोड़ा सा हम डिफरेंट लुक दिखाने के लिए लाइक थोड़ा सा ब्रेक करते हैं लाइक उसी चीज को थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं। कुछ फॉर्मेशन ऊपर से, कोई फॉर्म स्ट्रक्चर नीचे से, साइड से हम कुछ डिटेल दे सकते हैं। उसको धीरे धीरे तभी डेवलप कर पाएंगे हम लोग। आप लोग जब भी करोगे थोड़ा सा मशीनरी जो चीज है लाइक डिफरेंट डिफरेंट जो रोबोटिक कैरेक्टर है उसको एक बार फॉलो करके पहले स्ट्रक्चर को, देन उसके बाद डिटेल। ये चीज बार बार बोल रहा हूँ, पहले डिटेल में मत जाना, फिर गड़बड़ हो जाएगा सारे। डिसबैलेंस भी लग सकता है, डिस्प्रोपोर्शनेट भी लग सकता है। मेसनरी पार्ट्स में अप डाउन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर पोजिंग में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो सारे डिटेल मेहनत ही बेकार हो जाएगा। इसका पर एक असाइनमेंट भी रखेंगे हम लोग, उसको सबमिट करना है। और आप लोग सारे जितने सारे पिछले हफ्ते उससे भी पिछले हफ्ते में जो दिया था मैंने, सब मेरे को आज के अंदर डन कर देना एकदम। कोई डिटेलिंग या कोई भी प्रॉब्लम हो इलेक्ट्रिसिटी का जो भी हो, मतलब इस वीक लाइक सैटरडे संडे के अंदर डन कर देना, और मंडे को मेरे को कुछ ड्रॉ करके दिखाना लाइक जो कैरेक्टर डेवलपिंग मैंने थोड़ा सा, कोई डिटेल नहीं, बेसिक ब्लॉक एंड प्रॉपर स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर को आप लोग मेरे को दिखाना सकते। डिटेल बहुत हो सकता है लाइक कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए तुम लोग कैसे डेवलप करोगे फॉलो करते रहे। मैं ऐड कर रहा हूँ जो चीज मैं तो पहले बताया था, जो बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर जब फाइनल करोगे तो कोई भी चीज को अच्छा लगे तो ऐड कर सकते हो। डिफरेंट मेटालिक कोई लाइक मशीनरी कोई पार्ट हो आप यूज कर सकते हो फिनिशिंग के टाइम।
in hand. Joints. यहाँ पे देखो कितना मेसनरी पार्ट्स ऐड किया, ये जो ब्लू वाला पिक्चर में, इसमें भी देखो जो डार्क लाइक ग्रे ब्लैक इज एंड गोल्डन लाइक मेटलिक जो लुक है, कुछ चीजें मींस देखो कुछ चीजें डिफरेंट मॉडल से उठा सकते लाइक ड्रॉ कर सकते हो. डिटेल दे सकते हो छोटे छोटे अगेन डिटेल. ये थोड़ा सा अंदर की तरफ मुड़ जाएगा थम लाइक ऐसे अंदर चले जाते हैं. एंड साथ साथ डिटेल को भी शोल्डर बाजू बाजू होता है हैंड का जो पार्ट है उसमें जैसे जैसे डिटेल देते रहोगे उतना ही कैरेक्टर अच्छा लगेगा. Detail. And double.
structure. And again detail जो hand का formation इसका जो basic जो structure हमने पहले draw किया था इसको कुछ चीजें बताया like और कुछ चीजें को add किया like machinery जो part है उसके according add कर सकते हैं थोड़ा सा आप लोग स्टडी करोगे तो और भी अच्छा लगेगा डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर को जब ड्रॉ करोगे चीज पता लगेगा जैसे ब्लॉक के ऊपर डिटेल देखते ये भी छोटे छोटे मशीनरी पार्ट्स दिखा सकते हो आप नाउ नीचे वाला पार्ट है लाइक डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेशन फॉर्म उसका जो स्ट्रक्चर को पर जो डिटेल दे रहे हैं हम उसको थोड़ा सा चीजें ऐड करने के लिए इसको इरेज भी कर सकते हैं योर कॉन्सेप्ट योर टोटली स्किल्स सॉलिड भी दे सकते हो इसमें सॉलिड कलर फील कर दो सॉलिड दिखाना चाहते हो हम यहाँ पे detail joints joints में कुछ add भी कर सकते हो या ऐसे कुछ mechanical parts like दिखा सकते हो like this.
just follow. ऐसे कुछ बाहर से ऐड करो एक्स्ट्रा एंड डेप्थ डार्क टोन दो उसमें. सेम अगेन डिटेल in detail. हम उसको थोड़ा डिफरेंट बनाते हैं, थोड़ा सा चेंज स्ट्रक्चर वही रख के थोड़ा सा हम चेंज कर सकते हैं. लाइक दिस. Interesting, थोड़ा सा. Again, opposite, same. थोड़ा डेप्थ अगेन थोड़ा डेप्थ हल्का सा यहाँ पे एक लाइन यूज कर देना ऐसे ग्रेस करके एकदम शार्प करने दिखाने के लिए. Yes. Detail. बीच बीच में यहाँ पे सॉलिड दिखाओगे सेम ऑपोजिट.
शूज में डिटेल देखें। पर्सपेक्टिव का एक क्लास, नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा पर्सपेक्टिव जो होता है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जो फोरशॉर्टनिंग आप लोगों को बताया था, व्हाट इज फोरशॉर्टनिंग, है क्या वो, कहाँ पे यूज होता है, इसको थोड़ा सा ड्रॉ करके कैनवास पे ड्रॉ करके हम थोड़ा सा उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग भी है, सारे चीज थोड़ा इसमें कलर वगैरह करोगे लाइक डिजिटल पेंटिंग देन ड्राइंग्स, तब वो चीज बहुत काम में लगेगी। थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ हल्का सा जाएगा शूज का जो पोजीशन, छोड़ देंगे। क्लियर? यस सर ठीक है। तो आप लोग अभी तो मैं बहुत कम डिटेल देके आप लोगों को दिखा दिया, इसमें और भी डिटेल दे सकते हैं हम लोग, एक प्रॉपर एक एक पार्ट को और भी डिटेल करके उसको यूज कर सकते हैं। किसी जगह फ्लैट, किसी जगह और भी टेक्सचर लाइक नेट जैसे होता है, और भी छोटे छोटे जैसे पार्ट्स होता है, जैसे यहाँ पे जो इन्होंने दिखाया जो छोटे छोटे जो मशीनरी पार्ट्स यूज किया, ऊपर से ये भी यूज किया सब में। ये देखो ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं ये अलग से यूज किया, चेस्ट में देखो एक स्पेशल उन्होंने एक वो किया लाइक मेटेलिक फोकस लाइट की तरह यूज किया, आईज में भी लाइट की तरह यूज किया, देन यहाँ पे सर्कल यूज किया, यहाँ पे उन्होंने फ्लैट एक हेवी सा स्ट्रक्चर यूज किया, देन यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स, हाँ ऐसे करके थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे चेस्ट के नीचे स्टोमक पार्ट देखो ये वाला, तो हमने थोड़ा सा इसको ऐसे मॉडिफाई किया। तो ऑल ओवर लुक रोबोटिक कैरेक्टर में कोशिश करना थोड़ा सा सॉलिड एंड ब्लॉक रेशियो में होना चाहिए, जियोमेट्रिक फॉर्म में ठीक है। यस सर। तो सारे स्टूडेंट को मैं बोल रहा हूँ आप लोग मंडे को मेरे को एक बार जो जो मैंने कैरेक्टर दिखाया नीचे जो कैरेक्टर है आप लोग के पास, ये जो ग्रिफन कैरेक्टर देन ये जो रोबोटिक कैरेक्टर, एक बार आप लोग ड्रॉ करके मेरे को दिखाना जरूर ठीक है। ओके सर। ओके सर। कोई ओके और कोई डाउट्स? डाउट्स मेरा डॉग का पीछे का लेग्स में प्रॉब्लम हो रहा था। लेग और टेल? नहीं सिर्फ लेग्स, दोनों जो पीछे का लेग्स है ठीक है मैं बनाया था।
हाँ सर, अच्छा मेरा फाइल एक बार देख लीजिए सर, होगा तो मैं देख लेता हूँ, एक मिनट देख लेता हूँ। मेन ग्रुप में भेजा हूँ सर। पर्टिकुलर उसमें दिया तुम्हारा क्या नाम है, टू या फोर आप में दिया ना? वो सर फोर में, फोर में। ओके फोर में दिया। अच्छा पीछे वाला जो ले गया ना। हाँ अच्छा, सर इसमें वो थोड़ा कैट दिक्कत का भी है। बनाया, वो डॉग भी बनाया और हॉर्स भी थोड़ा स्क्रिबल कर रहा हूँ। हाँ हाँ तीनों कैट फाइल का भेजा भी, हूँ सर। हाँ, देखा देखा अभी देखिए, ये कैट का भी मैंने देखा। ओके एंड हॉर्स 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 नीचे है। हाँ हॉर्स का सर डिटेलिंग हॉर्स वाला का तो, जो, हाँ हाँ हॉर्स का बेसिक स्ट्रक्चर ठीक है, अच्छा लग रहा है। तुमने उसे जो ब्लॉक डिटेलिंग सर को, काम कर रहा हूँ सर, मैं भेज दूंगा सर मंडे तक, ये करो। सब तीनों भेज दूंगा नहीं सर, नहीं आज भी दो जो नहीं जो दिखाए। ब्लॉक अच्छा। हाँ थोड़ा सा उसमें डॉग में थोड़ा सा एक बार देख लो, जस्ट जस्ट 5 मिनट्स लगेगा, ज्यादा नहीं। तो देख लो, जब डॉग बनाओगे, एक मिनट जस्ट ऑफ कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक बार जस्ट एक बार देख लो। कोई ज्यादा वो नहीं है, टफ नहीं है, बहुत इजी है। लाइक जैसे तुम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हो ना, एक चीज को फॉलो करना, जस्ट ये जो बेसिक जो स्ट्रक्चर बना रहे हो डॉग का, लाइक फर्स्ट जॉइंट्स, देन टू थ्री एंड फोर, यहाँ पे जाके तुम्हारा लैक हो रहा है इस पार्ट में। ये जो जॉइंट्स है ना, इसको कोशिश करना नॉर्मली थोड़ा सा इक्वल रखने का, देन और एक जॉइंट्स, देन फिट, ये चीज ध्यान रखना। ये वन टू थ्री मेरा एंड एंगल में फोर, भी प्रॉब्लम हो रहा था शायद ना सर, मेरा हाँ इमेज में। हाँ थोड़ा सा इसमें, इस हाँ जगह हाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इस जगह पे। हाँ सर, ये पार्ट फ्रंट ठीक जा लेग रहा में है, प्रॉब्लम नहीं हो रहा, हाँ पीछे का नहीं लेग में ही फ्रंट थोड़ा प्रॉब्लम। लेग, हाँ, जैसे उसका जो बोन स्ट्रक्चर है ना, जस्ट उसका जो बोन स्ट्रक्चर है, बोन स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा जॉइंट्स को तुमने ध्यान रखना है। ये पेल्विस का जॉइंट्स है, देने जो लेग का जो छोटे छोटे जो जॉइंट्स होता है, उस चीज को फॉलो करना है। ये इसको फॉलो करना, देन उसके बाद तुमने ड्रॉ करना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये लाइक वन ब्लॉक टू ब्लॉक थ्री एंड फोर, देन उसके बाद नीचे वाला जो पार्ट, इसमें तुम्हारा तो दिक्कत हो रहा है इस एरिया, ऐसे करके देन उसके बाद फिंगर, बस ऐसे। अभी ब्लॉक जब हो जाएगा उसके बाद तुम डिटेल, कोई दिक्कत नहीं। सेम फ्रंट लेग में भी, और कोई स्टूडेंट का डाउट्स, एनीथिंग लाइक लेग बनाने में कुछ भी, हॉर्स कैट क्या सर नाम, बाकी और सर डॉग, डॉग का वो कान वगैरह जो बनाया सब ठीक है सर। अच्छा और ग्रीफन वगैरह कैरेक्टर कर रहे हो? ग्रीफन देन मिथिकल कैरेक्टर जो हॉर्स एंड वो सर वो जिम आज जॉर्ज जो शाम कैरेक्टर आज देखा था, करूंगा सर, आज हाँ करूंगा सर। धीरे धीरे करो, हाँ आराम से करो। विवेक तुमको भी बोलो करना जरूर, और मेरे को सेंड करते रहना, लाइक मंडे को क्लास होने से पहले ओके जो, सर, हाँ भेजते रहना। तो सबको ही मैं बोल रहा हूँ, सारे स्टूडेंट को, जो प्लीज आप लोग एक बार करो, और मेरे को ड्वार्फ वगैरह जितने सारे कैरेक्टर दिखाया, ड्वार्फ कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, उसको भी बनाओ, बेसिक ब्लॉक बनाओ, डिटेल बाद में बना लेना। सारे कैरेक्टर के जो ब्लॉक बना के प्रॉपर तरीके से A4 साइज में, और एक एक पेज में एक एक बनाना, सारे एक पेज में मत बनाना, एक एक पेज में एक एक बड़े बड़े करके बनाना, ओके ठीक है? ओके सर। और सर आज इंदिरा का और वगैरह सर सबको ही बोल रहा पिछले हूँ, दिन विश्वजीत का वगैरह, यस्टरडे का सर हाँ, फाइल भेज दीजिएगा सर। ठीक मैं दोनों ही भेज दे रहा हूँ। कल एक्चुअली लाइट का इशू था, इसलिए मैं कल भेज नहीं पाया, ठीक तो मैं है, आज दोनों ही भेज दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं ठीक सर, है? मैं ठीक आज है। ही हाँ मैं सर, जिप तो करके भेज दूंगा, ठीक है? मेरा मैं अभी तो भेज लाइट ही दूंगा, नहीं सर अभी। अभी भी आया नहीं? अरे बाप, कल थोड़ा सा काफी डिस्टरबेंस था, तो
तो अभी तो सुबह से ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेना। और हाँ, और एक चीज है, ग्रिफन कैरेक्टर का जो ईगल का जो कैरेक्टर है, लाइक तुम लोगों को जो अभी दिखाया ईगल का जो कैरेक्टर है, उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से बनाना। कोई मतलब वो नहीं है, लाइक ऐसा नहीं है जो सर ने दूसरा बना पाया। दूसरा भी बना सकते हैं सर? क्या क्या दूसरा सर? रोबोटिक कैरेक्टर? हाँ ये भी बनाओ, ये एनिमल का हाइब्रिड दूसरा बना सकते हैं सर। एक्चुअली क्या ग्रिफन जो होता है ना, बेसिकली जो होता है ये लायन और ईगल या फैल्कन, हाँ ईगल और फैल्कन दोनों को मिक्स कर सकते हो, लाइक ईगल नहीं तो फैल्कन उठा लेना, इसमें से यूज कर सकते हो। ठीक है, हाँ एक बार ट्राई करो, उसके बाद तो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट पूछ लेना मेरे से। ठीक है, और रोबोटिक कैरेक्टर को भी बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, इसको भी ट्राई करो, लाइक सारे कैरेक्टर इंटरेस्टिंग है, मतलब भेज दे रहा हूँ अगला बार अभी। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। अरे रुको, आई एम नॉट डन येट, आई एम सपोज्ड टू टेक अभी आप भेजो, जब तक मैं यूनिटी दिखाता हूँ, उसके बाद आई विल बी ओपनिंग दैट फाइल एंड शोइंग द स्टूडेंट्स। ओके ओके सर, ओके स्टॉप, सेंड करो अभी, अभी कर देना। ठीक है, स्टूडेंट्स इफ यू रिमेम्बर लास्ट टाइम हमने बोला था कि प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है, वी आर सपोज टू वॉच कपल ऑफ थिंग्स, सो आई विल बी शेयरिंग द स्क्रीन एंड देन शोइंग यू व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव created in last night, I would say. I'll be showing you something which is probably you guys will love. Give me a moment. This character, right? Yes, sir. I was doing multiple type of action. You can go straight, left, right. Yesterday, I was telling you that we need to create colliders so that it cannot go beyond these boundaries. Have a look. It cannot go beyond these boundaries. Whatever you want to try, it cannot go. Okay. Now, if you remember, I was talking about special effects. So I'll be showing you the special effects here so that you can see how we can do superpower. Okay, just a small request, please kindly don't record, take snaps, others. These things are copyrighted. If you share anywhere else, I'm going to show you like anything, okay? Power blast. For her. We have a different power blast. Now, let me give we'll be right back.
So what we did multiple different, of course, plugin integration as a Power Blast, and of course we did few bit of shader coding with remodification of all of these Power Blasts. We can always change it. We can always change their effects. We can always change their magical effects. We can always change their details. We can always improvise the speed. So the way all these codings has been done, which probably I'll be showing again maybe next week. We did a lot of changes in the coding structure so that easily any developer can give superpower to each and every character. Every character will have different capabilities. Someone will have better attacking methods. Someone will have better defense methods. Someone can fly. Someone can jump high. So all superheroes gonna get different various elements. And okay, so I'm gonna share you something which is a bit of, you can say, interesting, probably interesting for all of you guys. You're gonna see this video very soon, but just for your understanding. Okay. I'll show you how interesting it becomes when you try to do it with your very close actor and model. So that's the guy whom you have seen as a game character, as Vajra, the blue one, if you remember, the one who was actually throwing the electricity. So this is what we did as a testing phase with him. Let me tell you something which is more, maybe a lot of students will never ever heard in their life until unless they join in a production unit. So this action is not a taken for granted action. This is what he did during the lockdown period in his home, and we got the video from that particular gentleman, Dipanjan, and then we simulated the same action with our 3D character. We created the 3D character a long time back, probably 4.5 years back, live shooting with Dipanjan himself as a character. Maybe later on in 3D class, I'll be showing you how we did that. I'll be showing you the reference pictures, how we make any character. Give me a moment. If I can find one file, I will be showing you. Okay, so let me see. Shubhajit, just let me know once you have sent the Photoshop file, because I'm gonna show that to the students, how we convert a 3D character, merge that into a 2D environment to make a decent amount of game art to be released for as a mainly for the marketing purpose. They will understand these things. These are all there in the course. I'm not sure how many of you have actually read the syllabus properly, and that's how I made this syllabus so proper, directly connected with the industry, so that students can learn and understand everything which is happening. So it's not a work of rather a normal teacher or educationalist as a syllabus maker. The whole thing has been generated from the perspective of production, so that once you join any production house, there is no, probably there is no gap, even though there are a lot of things to learn, but we tried our best. Give me a moment. If I can find that file, I actually did a composition, but let me see if I can find that. I named it as game making process, probably.
Oops. Okay. Guys, give me a moment. Yeah, I can show you something which I'm sure you're gonna like. Check out. Do you remember this character in this game? You can find this character in Fighter Legends Part 1, Part 5, and of course in 6, he's coming back again. This is the one, this is the model. The guy's name is Shupriyo from Bengal, of course, but I wanted to show you the 3D snap, the way we did the all calculated low poly model. This is the exact direct render from the engine, which you can see as a 3D character, and we broke down everything on a poly. You can see the number of poly counts we have used. You can see the number of faces we have used. It's not an easy job, to be very honest, and easy to make, but not easy to think. Now, because today's class was about mixing animal with human, I'll be showing you one of our character. I can show you a lot, but I'll be showing you only one. In 3D class, I'll be showing you the exact source file, but not now. You are not ready now. So this is how we created Mahishasur as one of the character. This is the texture file and normal map. In your right hand side top, that's the 3D render. Again, from the engine itself. And we used Blender as a software so that we can make this thing possible. And then we used a couple of different techniques, which of course you can learn once you join any production unit. Any production unit, they have their own understanding. They have their own methodology. They have their own structure, how they will define anything like this. But that's how we did the poly count. We did the edges and the face. Again, the same thing, until unless you understand the creative part of it, it's going to be difficult. You need to create a character which can walk, which can run, which can fight, which can move, which can do action. So this character, of course, will have some superpower. You need to think a lot of different things before you make any kind of superpower, any kind of superhero, rather, I would say. Okay, I'll take an example of Spider-Man. If you look at Spider-Man as a character from Marvel, the way it has been created, it is a character which possesses power of spider, right? So spider power can have, of course, it can throw decent amount of number of strings, and along with that, it can crawl on the wall. But then they improvise the character. They put super spider speed, super spider hearing, and then spider sense, and then they improvised it with alien technology, mixed it with something which is coming from outer world, and then mixed it with multiple different variety of universe, and then the character now evolved as Super Spider-Man. So you can see Spider-Man with Venom. And then when it mixed with another alien being, it improvised into complete different power. But then you need to understand how to defeat that demon. So they introduce something which is completely different than normal things. So whenever you think of a superhero or supervillain, you need to understand, you need to give it a power, but you need to understand, you need to give it something which can probably decrease their power, or maybe have some kind of negative impact, or maybe how you can defeat that hero or that villain. These things needs to be there in any character, in any superhero character or superhuman being or anything like that, so that people can interact with it, and they'll be more than happy to do that. Okay. If you have any questions, I'm ready to answer, but then maybe I'll be waiting for Shubhojit to send the mail. I'm still waiting for him. I've been asking for it for last night. Shubhojit, have you sent it to me, or is still on the way?
Shubhajit, you're there? I don't think he is there, sir. Okay, give me a moment. I don't know what happened. If any one of you have some question, then please shoot me, or else I am not sure how I'm gonna continue. So I have a question, sir. Hello. Yes, please. Yes, please ask me. So, have you made a character based on yourself? Me? No. So, why, sir? Why shall I? I run this company, so it's going to be funny if I make a character based on myself. I don't want to do that. I want to make others superhero. I want to make others happy. So, have you ever felt so you wanted to make one? No. I make superheroes, so never. Okay. Why? So just asking, sir. No, I don't have to. From where you get this question? First time you ask about Mithun Chakraborty, then about sir. I want to know. Yeah, exactly. Common question. These are common questions of a common man. Common question of a common man. These are not common questions. These are uncommon question. I'm not sure where is Shubhajit. Can any one of you call him? Because I sent him the text. He read it, but he didn't respond yet. Sir, is there any way to lower the face count without any industry knowledge, like what you told now? It's difficult. To be very honest, it's difficult. It's not easy. Yeah, because it is very low poly, but it looks so good. Yeah, so that needs a lot of experience, to be very honest. That's the best answer I can give you. It's not easy to calculate that, how much poly count you want. Usually as a game designer, they usually tell the artist that, okay, fine, I need this much amount of poly count, and they need to try for it. Not easy. I'm not saying that it's pretty easy. It's not easy. So I know that you make decent number of models in 3D, and those are really looking cool, good. But unfortunately, they are not. It's very high poly. Yeah, they are not meant for any mobile. If you put that in a mobile, it will not run. Indira, you're there? Yes, sir. Okay, so is there any possibility you can share your screen? Do you have my file which I have sent you? Hello. Yeah. Do you have my file? Yes, sir. But sir, I am currently logging from my phone, sir. Can you turn on your laptop? Is it possible? Yeah. I can turn it. I have to sign it out. Then I can rejoin, sir. No, you don't need to sign out. You just turn on your laptop and then log in from your laptop. And then once you log in from your laptop, you can sign it off from your mobile. Yeah, sir. I'm going to try to show others. So I have assigned Indira a production file, and then I assigned her as a working in one of our new project, of course, but in a different way, whatever she can do as a student. And of course, I took her as one of the intern, which is there inside the syllabus of senior batch. Anyone who feel that they can add value, they are most welcome to join, but I need to understand their capability before I say yes to any one of you. So Indira, over to you. I'll be waiting for your screen share, and I'll be waiting for Shubhajit's file. Okay, sir.
before that, let me see if I can find something for you guys. I'm not sure if I can find it. Oh, yeah. Oh, we have that. Okay. Jokes apart, mainly for Vivek, don't ask me such kind of question which I cannot answer, like why I'm not a character or why Mithun is not a character. That's the file where we made Shubhashree as a 3D character, as a 3D model rather. And this is how, if you can see, this is how models can be done. It's just like your clay modeling. So for the benefit of all of us, once you create any kind of game character, game model, gaming is such line where you can mix programming and art both together. And I've never seen any other line which can probably show you this such kind of capabilities. With AI, with networking, with database, everything is there. You can integrate blockchain, everything is there in this line. High-end coding, high-end designing, high-end drawing, high-end modeling, sculpting, creativity. But as a person, as a student, it is always good. But can I turn on my screen sharing, sir? A moment. Yeah, you can always share your screen in there. Hello. Yeah, Indira, you can always share your screen. Okay, sir. I don't know how much she has done, but that's the way she's supposed to do it. Could you please read off this Pepsi and Sprite? We are not authorized to use those such kind of banner. Please. Okay, sir. Don't use them. Okay, sir. Thank you so much. Okay, so this game is supposed to be a 3D racing game. What she did, she probably did. She's using our cars, our models. Can you please show the models that I have sent you, Lamborghini and other cars? Yes, sir, sure. Yep. Just go to the model. Yep. Or probably you can drag that asset into the project file itself. So there are multiple variety of this Lamborghini, of course, with different texture, of course, with shining. So you are not using any kind of material as of now yet, India, which is supposed to be there. You're just using a flat model, okay? So you need to use a model which consists of texture, which is there, and then you need to put a material so that the car looks shiny, number one. Number two, your car size, not that this one, the earlier one which you are using became really big with respect to the road, okay? Please turn on the previous car. The car, yes, that you're using for testing. Which, yes, sir. Yeah, you turn it off. Yeah. It became really big. If you're making a race and if you look at the road, the car became gigantic. You need to decrease the size. Yes, sir. Could you please decrease it? Yes, sir, sure. Why do you act like this? It's easy to use with proper scaling. This is what I'm going to tell every one of you. You can always have an option to decrease it with mouse, but it is always recommended you should use the scaling. So you can always go to the scale, put a proper size, not 0.72233, blah, 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 blah. You cannot remember this size. Yeah. Happy? Now the car became tiny. Maybe, yeah, 0.55 will be good.
Okay. Can it run? Do you have the code? Which I'm not sure. You did the coding for the running of the car? Yes, I did the coding for the green one, sir, not the red one, sir. Not a problem. Just remove the Lamborghini. Yes. Super. Can you run this project? I'm going to tell you where you are lacking. Run it. Okay. Now, once you... Okay, let it run. Your camera position is too high with respect to the game. It can come out a little bit lower, which will give an edge to the user that they are playing a proper... maybe from the dashboard or something similar to that. Okay. Camera position can be decreased a little bit. You can always show them the whole environment. Not a problem. I'm waiting for you. So guys, this game is not done yet. She is just doing the coding. There will be lot more car with the proper racing. There is no other graphics which is there. She's going to use all of them. We can show you what's going to come, but let us first see what she's doing. She already have a reference file of a racing. So probably Indira is using her own brains and then taking reference of that file so that her coding and logic becomes smooth and proper. Indira, this car color and materials needs to be improvised. Huh? You have okay, the material, but don't do that now. Let's first finish the coding. We'll be finishing off other things soon. Yes, sir. Yeah. So have a look. We close the left-hand side road so that no one can go there. Otherwise, it's going to be very difficult to manage the user as of now. I think it's the network that's the reason you're getting a slow rendering of the whole game. Maybe so. Yeah. In her laptop, I'm sure it's running smooth, but because of low network, it's not running that smooth. Okay, no worries. I think you didn't use any kind of skybox, or have you used it? No, sir, I didn't use any kind of skybox because... So whenever you make any game, you need to use a skybox. Otherwise, you are not going to understand what is happening with the environment. The color balance became totally different. Yes. And of course, the car will not get that kind of shine which we created. Can you please stop running it? Yes, sure, sir. Can you show us different environment which is there in the game? Yeah. Yeah. Go to the asset. Turn on different... Yeah. No. I think it's in your, I don't know which folder you have used. Mountain or which one? The mountain one. Yeah, the mountain one. Or the, yeah. Yeah. Now turn it on. Now this is, another, the same environment, another texture, different structure, which can give autumn effect. Of course, from the trees, we'll be using the plugin to, which will enable us to probably show some amount of leaves, which will fall from the trees. Can you turn on the winter one? Yes, sir. Sure. Don't worry. Then... सारे बंद हो जाएंगे ना सरप्राइज नहीं रहेगा अंदर जाओ कोई भी रोड में जाओ गो इनसाइड ज़ूम इन गो इनसाइड विद योर कैमरा यप दिस गोना बी द विंटर वन ओके एंड गो इंदिरा कुड यू क्लिक ऑन द माउंटेन ट्रैक टू एंड देन गो टू द नाइट विजन Yes, sir, sure. Here. Autumn Which one, sir? Autumn or fine. Autumn is autumn. Fine. Maybe summer is fine. Summer six. Oh yeah. It's okay. So this is going to be the night one. So
In night, we will have lights. And of course, the road will look different, in different way. Any question, Vivek? Why don't I have my own car into the game or something similar to that? No, sir. But I love your questions, to be very honest. Thank you, sir. Okay. So, Indira, can you show us different car models that we have and the kind of textures that we have? Yes, sir, sure. I think CARRR. Yeah. Okay. These are all enemy car. There's a user. You can always choose user car as a model. These are all different models. Can you please place every model? And there are texture file as well. These are flat color model, but there are texture file as well. Yep. Thank you. So we have a show of costly cars. Shubhajit, you are there or still I'm waiting, man? I'm not sure where is he. It's okay. It's fine. Go for the normal cars. I mean, don't show everything. It will block the road and go for the not that car. I'll be. Okay, go to the car folder. What is there inside? No. Yeah. These are all texture files. So in any texture generation, you can always create new texture for this file itself. So it's not a big deal. We can always do that. Can we go out? Can we show some normal car, which is there? Yes. Mute your mic. There is a normal for the BMW one. Hello. Yeah, Indira, sorry, I was talking to Shubhajit. Okay, yeah. Okay. So this is one of the racing car that we have with texture, like a racing texture. So we can always use this kind of texture in other cars as well. User will have option to select which car they are going to use, and then there'll be a proper racing. They can use Nitro Blast, they can get a lot of challenge. So wait for this game, guys. We have Indira as our creator for the coding. Let's see. And of course, I'm gonna engage any one of you if any one of you are interested, but I need a value addition before I say yes from any one of you. So anyone feels that they want to add value on UI or probably graphics or in-game graphics, effects, I mean to say, of course, the 2D file generation. We don't need a 3D now. Every 3D assets are already done.
We also have done the UI, to be very honest, but I'm totally okay and open to understand if any one of you want to add your name into it and maybe add some amount of work, I can assign it. Indira, more than happy to understand your progress day-wise. Thank you so much. You can turn off your screen sharing. Thank you so much for showing all of us. I'm actually waiting for Shubhajit to send me the Photoshop file. What's coming, I'm going to show you. Not sure how fast he is going to send us, but this is what Shubhajit did. These are two 3D characters. It's not done by Shubhajit, okay? The 3D characters are our character, which is done by our 3D artist, but Shubhajit is doing the whole composition in the game so that it comes as a loading screen inside the game. So once you play the game, when you are shifting from one level to another level, there will be various different banner like this in as a loading screen, which will enhance user attraction. And of course, we can use it for marketing purpose. I can always show you the strength of the digital painter, what he did. Let me find out the file. If I can find it out. Sorry, I'm so sorry. I forgot to show you the original file. Hold on. I'll show you what happened and how he made this and how the progress happened. I will be showing you that. It took him a lot of time to understand how things can be done. But yeah, so somehow we managed to do it. I'll show you the progress, how progress can be done. Oops, where is the file? God. Did I send him a mail? I guess yes. Okay, so guys, this was the situation. Initially, when I send him the file, it looked like this. Okay. The background composition is not done by, of course, me. It was done by Shubhajit initially because I was sending him the concept which I want, the way it should look, the way the look and feel should come. So that was the initial concept. And then we did a concept art like this. Is it visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Black and white. Yeah. So this is how the concept emerged from the concept part. We came to a conclusion that it will look like this. Then, as you can see, there is no fine tune of the characters. So after fine tuning the characters, it became like this. Still, it is in progress, but I'm just showing you how things can be done, how things can be materialized and managed. Any question? It looks very good, sir. No, question, not feedback. Do you have any question? Okay, so I'll show you the in-between game art as well. So this was the in-between file, which Shubhajit was thinking that we are supposed to do. But then he realized that he cannot achieve the goal with only hand painting. So I asked him that it needs to be done with photograph, with hand painting. It has to be composition. Otherwise, it will look like a cartoon. And we don't need a cartoon, of course. Then this composition happened. And then I refused it. I said, it's not going to happen. It's not happening. Then we
came to this as a composition, as a concept, cancelled. Came to this as a composition. I asked him for improvisation, and then improvisation started, and we achieved this goal so far. It took us a few days to understand, finalize things. As you can see, we always work hand to hand directly. Communication usually happens. Otherwise, it's going to be very tough and difficult for anybody to understand what a production unit wants and what kind of game you want to make. It's not going to be a AAA standard game, but yeah, at least a little bit of towards that. We are trying our best to make it happen. We need all of your good wish, all of your support so that we can achieve that goal. It's not easy, pumping a lot of money, pumping a lot of marketing strategy, and then you wait for the users to play it for free and then give you comments. So anyway, let's see. So far, so good. We are doing fine. I'm really sorry. Give me some moment because Shivaji just told me that he's going to take moment, maybe some time to send the mail. But yeah, for all of you, if you don't know where it is live, it's live in a Facebook page called Gaming School. It's live here. Okay. It's completely viral. And we have more than 3,000 people who actually liked it. And I'm really happy that Ronnie every time likes and share, Indira every time likes and share. Okay, we have some other people who are also doing the same. The reason I'm doing it live because we want to show the world how good our students are. So I hope that you guys are good. Shubhajit, are you there? Man. Can any one of you help me with Shubhajit's call? Can any one of you call him and ask him to send me the mail kindly and tell him that we are waiting? Okay, sir, I am calling. Please. No, not you, Bishwajit. I want to talk to you in live. Okay, let me turn off the live and then we talk and then again we'll back. Go back to probably